नमस्कार दोस्तों, तो हम मैसूर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश मैसूर को कितने बार में अपने हस्तक्षेप में कर दिया? चार बार में। ठीक है, पहला बार कंप्लीट हो चुका है, दूसरा बार भी कंप्लीट हो चुका है, तीसरा और चौथा। अब हम आज तीसरा और चौथा बार कंप्लीट करेंगे और फिर ये मैसूर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? मराठास। ठीक है, कि मराठास में किस तरह से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करती है। तो अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो दोनों देख के आइए, क्योंकि आधे से पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग से एक सीरीज में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस सीरीज में, तो आप सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख के आइए और जिन्होंने देखा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैसूर के बारे में समझने से पहले हम लोग सबसे पहले टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान एक बहुत पराक्रमी राजा था और उसके जैसा टैलेंटेड ज्ञानी व्यक्ति शायद ही उस समय कोई था। ठीक है, इसलिए हम टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर को एक अलग शक्ति से देखता था। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर को एक अलग शक्ति से देखता था। अगर आप उस समय अगर टीपू सुल्तान को देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो मैसूर को ही अपना एक पूरा कंट्री जैसा समझता था। ठीक है, और वहां पे जो भी सारी चीजें होती थी सबसे अलग उसकी चीजें होती थी। मतलब कि वहां पे वो खुद के पॉइंट्स बनाते थे। ठीक है, खुद के कैलेंडर्स खुद के बना दिए, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते थे, खुद के कैलेंडर्स बना देते थे सिर्फ और सिर्फ मैसूर के लिए। वहां के मैसूर पे भी मैसूर के लिए उन्होंने कॉइन्स भी बनाए थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने वेट तक वहां पे बना दिया कि जितना इतना, अगर जैसे हम 1 kg को कितना बोलते हैं, तो उसी तरह से वो वहां पे 1 kg अलग कर बनाते थे कि इतने इतना अगर वेट रख दिया इतना ये 1 kg होगा। ठीक है, तो वहां का वेट भी क्या था, अलग था। तो एंड मेजरमेंट भी वहां का थोड़ा सा बहुत अलग था, अलग स्टेट से हमारे। ठीक है, तो बोला जाए कि पूरी तरह से वो एक मैसूर को अलग नजरिए से देखते थे। ठीक है, और उन्होंने वहां पे खुद के पॉइंट्स, वेट, कैलेंडर्स भी वहां पे खुद के बनाए जाते थे। ठीक है, न्यू कैलेंडर्स होते थे जो कि मैच नहीं होते थे। पॉइंट्स, वेट एंड मेजरमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये सारी चीजें, इसलिए मैंने ये लाइन ऊपर लिख दी है, बता दिया आपको। ठीक है, मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे वहां के, उन्होंने न्यू कैलेंडर्स को इम्प्लीमेंट किया था। पॉइंट्स, वेट एंड मेजरमेंट भी वहां पे सारी चीजें वहां पे वो लेके आए थे। और क्या क्या किए थे उनको, इम्प्रूवमेंट इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम किया हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा सुधार की थी कि किस तरह से अगर किसान अगर लगान नहीं दे पा रहे तो उनके लिए क्या किया जाए। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं सुविधा की तरह पूरी दी गई थी वहां पे। ठीक है, ना कि वो एक हिंसक राजा था। ठीक है, बहुत अच्छा राजा था। और वहां पे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एक अलग तरीके से होते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा उन्होंने सुधार लाया, इंप्रूवमेंट। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया में अदर स्टेट से और मैसूर के स्टेट से, तो आपको एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वहां पे अच्छी खासी दिखाई देती है। ट्रेड भी और कॉमर्स भी वहां का बहुत अच्छा खासा होता था। ठीक है, ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया वो अलग अलग कंट्रियों से भी ट्रेड करते थे, जैसे कि माहे जो बंदर का पोर्ट था उधर माहे से भी एक दूसरे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता था। ठीक है, अदर कंट्री से भी वो करते थे। सपोर्टेड द फ्रेंच इन सिटिंग, ये पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे देखे थे टीपू को अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ ऐसी कई भाषाएं आती थी। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था, उसको अरबी भाषा, फारसी, उर्दू और कन्नड़ ये भाषाएं भी उनको आती थी। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टीपू सुल्तान ने बहुत ही हैदर अली जैसे कि बहुत पराक्रमी राजा था, उसी तरह से टीपू सुल्तान था, बट उनको स्टेबल होने में समय लग गया। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग गया जिसकी वजह से स्टेबल नहीं हो पाए, नहीं तो आगे चल के बहुत विशाल मैसूर खड़ा करते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 51 मैसूर का पहला युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था 66 से 69 तक, तो पहला तो हैदर अली जीत गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया था, दो टीमें खड़ी की थी, एक निजाम की और मराठास की, दोनों को मिला लिया था अपने में। ठीक है, फिर सेकेंड वॉर में क्या हुआ था, जो निजाम थे और मराठास किसकी तरफ से लड़ रहे थे, निजाम और मराठास किसकी तरफ से, हैदर अली की तरफ से लड़ रहे थे, और ब्रिटिश क्या थी, अकेले थी। उस समय मैंने बोला ना कि जो निजाम और मराठा से रहते थे कभी भी किसी के भी साथ में रहते थे, उनका कुछ भी डिफाइन नहीं रहता था, कभी ब्रिटिश के साथ में तो कभी हैदर अली के साथ में, इस तरह से उनका कंपैरिजन चलते रहता था। जिस तरह से सिचुएशन होता थी उसी तरह से वो भी एक्ट करते थे। ठीक है, तो सेकेंड वॉर में बुरी तरह से 1781 में क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। किसकी, हैदर अली की, चोट लग जाती है। और पोर्टोनोवा, मैंने यहाँ पे बताया था आपको पिछले लेक्चर में, पोर्टोनोवा में क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है।
उसके बाद जो भी कार्यभार होता है वो कौन संभालता है, उनका लड़का टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में पावर में आ जाता है और फिर 84 तक सेकेंड वॉर लड़ता है, फिर कौन जीत जाता है, ब्रिटिश जीत जाती है और वहां पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, तो टीपू सुल्तान के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें देखी और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सपोर्टेड द फ्रेंच इन सेटिंग द एंड जैकोबिन क्लब, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अब जैकोबिन क्लब क्या है, फ्रांस में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी इंडिपेंडेंस की, तो वहां पे जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, जैकोबिन क्रांतिकारी होते थे, क्रांतिकारी, तो वही मैं बताऊंगा जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो उसमें हम इस चीज के बारे में अच्छे से डीप में बात करेंगे, अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जैकोबिन क्लब फ्रांस का एक क्रांतिकारी क्लब होता था। ठीक है, वही क्लब कहाँ पे स्थापित किया गया, श्रीरंगपट्टनम में। किसने स्थापित करवाया, टीपू सुल्तान ने। क्यों सपोर्टेड द फ्रेंच, फ्रेंच की सहायता की सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब इन श्रीरंगपट्टनम। अब ये बात जो थी ब्रिटिश को पता चल गई और उनको हद से ज्यादा बुरा लगने लगा, क्यों, क्योंकि वो दूसरी कंट्री को आमंत्रित कर रहे हैं ना। 1664 में जब फ्रेंच आया था तो 1668 में उसने कंपनी डाल दी थी, बहुत समय तो लग गया फ्रेंच को यहाँ से हटाने में, कर्नाटिक वॉर, तीन तीन वॉर के तब जाके फ्रेंच हटा, अब वापस से तुम फ्रेंच को ला रहे हो। ठीक है, ये बात ब्रिटिश को खुलने लगी, ब्रिटिश को, ये काम तो उन्होंने पहला कर दिया। दूसरा चीज इन्होंने और क्या कर दिया, प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, इसको याद रखेंगे आप, ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम प्लांटेशन कर दिया, किसका, ट्री ऑफ लिबर्टीज की, जैसे इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं खुद को, उसी तरह से वहां पर ट्री ऑफ लिबर्टी करके प्लांटेशन ट्री लगा दिया श्रीरंगपट्टनम में। वो किसके समझौते के लिए था, दोनों के लिए, फ्रांस और हमारा मैसूर टीपू सुल्तान, दोनों ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का ट्री ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब ये भी बात किसको खलने लगी, ब्रिटिश को, कि ये तो पूरी तरह से आमंत्रित कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं जैसे कि एक मिसाल बन रहे थे वो दोनों मिलके। ठीक है, उसके बाद जैसे ये बात पता चलती है तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाता है 1992 तक। ये सब जो प्रोसेस था ये 6 साल का प्रोसेस था, मैंने हमने देखा था 84 में वॉर खत्म होता है, 1780 में स्टार्ट होता है और 1784 में खत्म होता है ना। तो अब से थर्ड युद्ध कब होता है, वॉर कब होता है, 19 में, तो इनको 6 साल यहाँ पे गैप मिलता है, इसी 6 साल में ये सारी चीजें वो करते हैं। अब तो इनको बहाना मिल गया, ब्रिटिश को क्या बहाना मिल गया, कि चलो अब हमको वॉर करने का एक बहाना मिल गया। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर क्या बता दिया कि टीपू सुल्तान जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री से जाके मिल रहे हैं और उनको अपने देश में क्या कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं और हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे बहाने मार देते थे वो। ठीक है, उनको वॉर करना था क्योंकि उनकी जो सेनाएं थी अब स्ट्रांग हो चुकी थी हद से ज्यादा। ठीक है, अब वो अकेले भी वॉर कर सकते थे। थर्ड एग्लो मैसूर वॉर 19, नाउ टीपू सुल्तान कम टू द पावर, अब पूरी तरह से टीपू सुल्तान पावर में उतर चुके होते हैं, मैसूर हैड बिगन अप दिस टाइम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, थर्ड एग्लो मैसूर वॉर जब स्टार्ट होता है तो निजाम और मराठा को वापस से वो खरीद लेता है, निजाम और मराठा को क्या करता है, वापस से खरीद लेता है, किसको, ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या करता है, निजाम और मराठा को वापस से अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, उसके बाद ये वॉर चलता है 2 साल तक वॉर चलता है और फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इसमें कोई भी लाभ नहीं हो पाता, फिर से वही प्रोसेस चलता है कि जितने भाग हमने जीते हैं उसको ले लो आप, जितने भाग आपने हमारे जीते हैं उसको मुझे रिटर्न कर दो, तो ये भाग भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये आपको समझ गया। थर्ड एग्लो मैसूर वॉर 90 से स्टार्ट होता है, कब होता है, 1790 से 1792 तक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाता है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ब्रिटिश, ये मैसूर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, टीपू सुल्तान हद से ज्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, अब उसको संभालने का मौका नहीं मिलता है और इसी समय उस वो 92 के बाद फिर 1799 में वापस से क्या करता है, एक बहुत खतरनाक क्या करता है, विद्रोह मचाता है। ठीक है, ये विद्रोह कैसे रहता है, देखो द ब्रिटिश आस्क, किससे पूछता है, टीपू सुल्तान से, उस समय जो था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, उन्होंने एक फरमान भेजा, एक ट्रीटी, एक अलायंस भेजा, अलायंस मतलब होता है यहाँ पे कि
हाँ सब्सिडियरी अलायंस पहले आप समझ लेते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है। ठीक है, द ब्रिटिश आस्क टीपू टू साइन सब्सिडियरी अलायंस बट ही रिजेक्टेड। उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि ब्रिटिश ने एक निवेदन भेजा कि आप सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दो, ठीक है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो ये वॉर लड़ा, ये वॉर में उनकी हालत अब दूसरी बार वॉर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी, तो उन्होंने क्या किया सब्सिडियरी अलायंस करने मतलब ब्रिटिश ने बोला कि चलो ठीक है आप सब्सिडियरी अलायंस कर लो। बट ये सब्सिडियरी अलायंस होता क्या, सब्सिडियरी अलायंस इसको सहायक संधि बोलते हैं, हिंदी में इसको सहायक संधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक कोई स्टेट है, आप कोई राज्य चला रहे हो, तो मैं आपको अगर सब्सिडियरी अलायंस भेजता हूं तो उसमें क्या होगा कि टीपू सुल्तान को यह बोला गया कि आपका जो स्टेट है इसकी रक्षा करनी अब हमारी जिम्मेदारी हो गई। किसकी जिम्मेदारी हो गई, हमारी जिम्मेदारी हो गई, यहाँ पे जो भी मिलिट्री फोर्स लगेंगी, जो भी सेनाएं लगेंगी वो हम लगाएंगे। ठीक है, पहली चीज कि आपके चारों तरफ हमारे सैनिक लगेंगे, आपके जो भी किले हैं, जो भी जहां पे भी आपके जो भी सारी चीजें वहां पे क्या लगेगी, हमारे सैनिक लगेंगे, प्लस हमारा एक व्यक्ति आपके दरबार में भी बैठेगा, आपके राज्य दरबार में भी बैठेगा। फोर्थ चीज बोला कि और इन सबका जो भी खर्चा होगा वो खर्चा आप उठाने वाले। इतनी चीज होती थी सब्सिडियरी अलायंस में, सहायक संधि में बोला जाता था कि आज से आपकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जो भी रक्षा करनी है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप ये बताइए कि दुश्मन ही अगर हमारे घर में आके घुस के बैठे और हमको बोले कि हम आपकी रक्षा करेंगे तो कोई बात होती है, ये नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे हमारी फोर्स, उनकी फोर्स हमारे घर के आजू बाजू खड़ी रहेंगी और उनका एक व्यक्ति हमारे दरबार में बैठेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे तुरंत जाके संदेश पहुंचा देगा वहां पे। तो कितनी बुरी तरह से वो माइंड लगाते थे, कौन, ब्रिटिश। अब देख रहे हैं सब्सिडियरी अलायंस इतनी खतरनाक थी, ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मैं ये नहीं कर सकता। कौन, टीपू सुल्तान। किसने भेजा था, लॉर्ड वेलेस्ली। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आप इसको याद रखेंगे। एक्चुअली टीपू सुल्तान इस समय बहुत बुरी तरह से हार चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत थी। उसका कहने का मतलब ये है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो, ये उसका लाइन था। उसने इस सब्सिडियरी अलायंस को रिजेक्ट कर दिया और ब्रिटिश ने बोला था कि अगर आप सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वॉर कर देंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से पता थी टीपू सुल्तान को, फिर भी उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका परिणाम यही निकला कि मैसूर को 2 साइड से अटैक कर दिया गया, पूरी तरह से दोनों साइड से अटैक कर दिया गया। और इसी समय निजाम और मराठा किसका साथ दिए थे, ब्रिटिश का। तो आप देख रहे हैं फिर से ये निजाम और मराठा किसका साथ देने लगे, ब्रिटिश का साथ देने लगे। तो आप समझ रहे हैं ये किसी एक के साथ स्टेबल नहीं हो सकते थे, कभी निजाम के साथ, सॉरी कभी मैसूर के साथ, तो कभी ब्रिटिश के साथ, ये इनका चलता ही रहता था। ठीक है, तो निजाम ने क्या किया, ईस्ट की साइड से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मराठा ने क्या किया साउथ की साइड से अटैक कर दिया। आप दोनों टीमें जब एक दूसरे यहाँ पे साइड से अटैक करना स्टार्ट कर दिए, प्लस ब्रिटिश भी वहां पे अटैक कर रहा है, तो बुरी तरह से इनकी हालत हो जाती है। ठीक है, और 1799 में श्रीरंगपट्टनम पे ही क्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, 1799 में ये दोनों टीमें जब आपस में मिल जाती है तीनों, ये फाइनल वॉर होता है और टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। और जब टीपू सुल्तान ही नहीं रहे तो उनके पूरी की पूरी जो राज्य थी किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश के हाथ में चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चला था मैसूर को कब्जे में करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बोला है, लिखा नहीं है, तो आप लिखने पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने क्या क्या बोला है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर वीडियो नहीं समझा है तो फिर से प्लीज एक बार देख लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैंने वही फैक्ट्स लिखे हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से मैंने फैक्ट्स नहीं लिखे, मैं बताता हूँ क्या नहीं लिखा हूँ, कि कौन से टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में बन जाते हैं, तो ये इसकी भी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा जिस दिन मैं गवर्नर पढ़ाऊंगा, पूरी तरह से जिस दिन मैं गवर्नर पढ़ाऊंगा उसी दिन हम देखेंगे कि किस वॉर के समय कौन सा गवर्नर था। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, सारे गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन गवर्नर था और किस गवर्नर के रेंज में कौन से वॉर हुए थे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अब मैसूर की, मैसूर पूरी तरह से अब कब्जे में किसके हो गया, ब्रिटिश के। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो मराठास के ऊपर होगा। ठीक है, कि मराठास ने किस तरह से, मतलब मराठा को किस तरह से कब्जे में किया, किसने, ब्रिटिश ने।
ठीक है, उसके बाद हम सी के ऊपर चलेंगे और फिर चैप्टर ही मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश को एंट्री इंडिया में करा देंगे। फिर हम पूरी तरह से अच्छे से हिस्ट्री देखेंगे 1857 तक, 1857 के बाद फिर उसके बाद हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और फिर 1947 तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और फिर फाइनली हम इंडिपेंडेंस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो आपको ये समझ गया चार युद्ध किस तरह से, चार वॉर लग गए किसको हराने में, मैसूर को अपने कब्जे में करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश को। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मराठास। ठीक है, मराठास को किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं ब्रिटिश उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लगता है, आप देख रहे हो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपको समस्या है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से यही एक फायदा होगा कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस कौन कौन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है उनको कमेंट्स करिए, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, तो इससे मुझे पता तो चलेगा एटलीस्ट कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं और अच्छे से बनाऊंगा और ज्यादा फैक्ट्स लाऊंगा। ठीक है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, तो आप जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।